वेलकम टू संदीप प्रियास किचन। समर स्टार्ट हो चुका है तो इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा हो जाए। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चॉकोबार आइसक्रीम्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमें लेना है चॉकलेट। यहाँ पे मैंने डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरी मिल्क यूज़ कर सकते हो। तो अब हम एक वेसल में वाटर को बॉईल करेंगे। अब ये वाटर बॉईल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये चॉकलेट बाउल रखेंगे और इसे हमें मेल्ट करना है। ये मेथड को ना डबल बॉयलर कहते हैं, जो पानी का जो स्टीम आता है ना उसी से हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो अब हम एक स्पून की सहायता से इसे हम मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो अब ये चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये चॉकलेट ठंडा हो चुका है, हमें लेना है पेपर कप्स। यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा वाला पेपर कप है और ये छोटा वाला भी है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मार्केट में या सुपरमार्केट्स में, और ये ना इजीली डीमोल्ड होगा। तो अब हम एक पेपर कप को लेंगे और इसमें हम डालेंगे ये चॉकलेट। तो अब हम एक स्पून की सहायता से ग्लास को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे चॉकलेट से। देखिए, इस तरह से कोट कर लेना है हमें इसे, अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये लेयर जो है चॉकलेट का वो थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। अगर ये लेयर पतला रहेगा ना तो आप जब डीमोल्ड करोगे ना तो क्रैक्स आने का चांसेस रहेगा। तो आप इसे ध्यान से अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सब चॉकलेट को कोट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हम ऐसा ग्लास को उल्टा करके ऐसा निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से निकाल देना है एक्स्ट्रा चॉकलेट को। तो अब ये ग्लास रेडी है। अब हम इसे साइड में रख के अब हम लेंगे बड़ा ग्लास और इसे भी हम चॉकलेट से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से कोट कर लेना है चॉकलेट से, पूरा स्प्रेड कर लेना है। तो अब ये बड़ा वाला ग्लास भी रेडी हो चुका है। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है अंदर उसे भी ऐसा उल्टा करके निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब ग्लासेस को रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। जब तक वो सेट होगा ना हम आइसक्रीम बैटर को बनाएंगे। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2.5 कप मिल्क। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर 1/3 कप और अब हम इसे लाइटली ऐसा मिक्स कर लेंगे जब तक कि शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए और इसे हमें बॉईल करना है। तो अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। अब हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, लम्स नहीं रहना चाहिए। और अब ये कॉर्नफ्लावर स्लरी बनकर तैयार है। ये मिक्सर जाएगा मिल्क में। तो अब हम मिल्क में ये मिक्सर को डालेंगे, कॉर्नफ्लावर स्लरी को डाल के इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है और इसे हमें पकाना है 5 मिनट्स के लिए। कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइसक्रीम बैटर पूरा गाढ़ा हो चुका है और अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मिक्सचर पूरा का पूरा ठंडा हो जाना चाहिए। अगर ये गर्म रहेगा ना तो जब आप इसे चॉकलेट बाउल्स में डालोगे ना तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। तो ये मिक्सचर ठंडा हो जाना चाहिए।
अब ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है और ये चॉकलेट भी पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम मिक्सचर। ये आइसक्रीम बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। जब मैंने इसे घर पे बनाया था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया है आइसक्रीम्स को और एक ही शॉट में फिनिश कर दिए थे। उतना यमी एंड डिलीशियस रहता है ये आइसक्रीम। तो अब हम इसके ऊपर से एक फॉइल पेपर से रैप कर लेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक कवर से भी रैप कर सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर से एक नाइफ से कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक आइसक्रीम स्टिक। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप प्लास्टिक स्पून या स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसे फ्रीज करेंगे फॉर 8 to 9 hours या ओवरनाइट। अगर आप इसे ओवरनाइट फ्रीज करोगे ना तो ये बहुत बढ़िया जमता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइसक्रीम पूरी तरह से सेट हो चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज किया था फ्रीज़र में। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, ये फॉइल पेपर को निकाल लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया जमा है आइसक्रीम और दिखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। अब हम एक सीजर लेंगे और ये पेपर कप को लाइटली स्मॉल कट लगा लेंगे और इसे हमें डीमोल्ड करना है इस तरह से। देखिए वाव, यमी एंड डिलीशियस चॉकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह से सब आइसक्रीम्स को डीमोल्ड कर लेंगे। सीजर लेंगे और स्मॉल कट लगा लेंगे और ऐसा हमें ये पेपर को ऐसा टेर कर देना है, वो इजीली निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हमें डीमोल्ड कर लेना है ना, बहुत ही इजी एंड सिंपल। तो देर किस बात की, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए आपके बच्चों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।